जल और जीवन, इन दोनों के बीच का संबंध अद्भुत है। उदाहरण स्वरूप गुजरात के वाधवान तालुका के कटुड़ा ग्राम में चलते हैं, जहां भूजल के नमकीन होने के कारण कई लोगों को तालाब और कुएं के पानी पे निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन क्या यहाँ के जन और जीवों के लिए यहाँ स्थित 3 तालाबों का जल उपयुक्त है, या इनसे स्वास्थ्य समेत कई और समस्याएं उत्पन्न होती हैं? कहते हैं कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करनी हो पहले घर से करो। आज रामवीर जी के सहयोग से और उनकी गाइडेंस से जो इस गांव की कायापलट उन्होंने कर दी है, इसकी ड्रीम हम शायद कभी भी बच्चे से तब भी नहीं देखे। बट थैंक यू फॉर मेकिंग दिस ड्रीम कम ट्रू, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, एंड दिस इज जस्ट अ गेम चेंजर फॉर आवर लाइफ। घना समय सुधी आ तनाव माटीना पुराणथी सीमित थी गया। आजूबाजू झाड़ी झाखरा गंदगी ने कोई भी रीते एनु पानी नो यूज करी सकाय एवी परिस्थिति मां न रहया। अभी वो तालाब का जून में इसमें 2 जून को काम शुरू किया था, वो तालाब का काम आज खत्म हुआ। कोई झाड़ी पावर नहीं रहा, उसमें पानी की कैपेसिटी बढ़ गई है। पानी की कैपेसिटी बढ़ने से जो 12 एक बार पानी चलता था वो 1.5 साल चलेगा और ये क्लीन वाटर होगा। इसमें हमने 3 तालाबों को रिजुवनेट किया है HDFC लाइफ की मदद से, कटुड़ा ग्राम पंचायत और कटुड़ा ग्राम विकास ट्रस्ट की मदद से। कटुड़ा गांव में 3 तालाब हैं, एक बड़ा तालाब जिसको हम गांव का तालाब भी कहते हैं, एक खान का तालाब और एक ककरिया तालाब। इन तीनों तालाबों को हमने साफ सफाई की है, उसमें डिसिल्टिंग की है ताकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ सके। गांव में जो एक ड्रेनेज सिस्टम था उसको वापस से रिजुवनेट किया है, रिपेयर किया है। इसी समस्या को समझने और सुलझाने का काम से अर्थ ने HDFC लाइफ के सहयोग से किया है। लेकिन दशकों पुरानी समस्याओं को सुलझाना इतना आसान कहाँ होता है? रामवीर तंवर, पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया के अनुभव और कुशल मार्गदर्शन एवं कटुड़ा ग्राम विकास ट्रस्ट के तत्पर सहयोग से एक व्यवस्थित रूप में कई महत्वपूर्ण कदम लिए गए। नर्मदा नहर को तालाबों से जोड़ना ताकि तालाब सूखा ना पड़े। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जमीन पे उतारने के क्रम में कॉन्क्रीट डस्टबिन का निर्माण, पगडंडी का निर्माण जिससे समुदाय के लोगों को तालाब के पास आने जाने में सुविधा हो। तालाबों को पूर्ण स्थापित करने के क्रम में भी कई बुनियादी एवं नवीन कदम उठाए गए। तालाब के बीच में आइलैंड हमने बनाए हैं ताकि बायोडाइवर्सिटी वापस से आ सके, इकोसिस्टम वहाँ पे जनरेट हो सके। और ये सब हुआ है HDFC लाइफ के CSR इनिशिएटिव के माध्यम से, कटुड़ा ग्राम विकास ट्रस्ट के माध्यम से और कटुड़ा ग्राम पंचायत के माध्यम से। आज सारे प्रयासों को सार्थक होते हुए देखना सभी के लिए एक सुखद अनुभूति है, क्योंकि जल बेहतर है तो कल बेहतर है।